गाइस, स्वागत है आप सभी का ज्ञानिसी क्लासेस में। स्टिल बेटिंग गुड इवनिंग वंस अगेन। अभी भी वेटिंग आ रहा है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी आ रहा है वॉइस। नमस्ते, गुड इवनिंग, प्रणाम गाइस। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज्ञानिसी क्लासेस में। सो गाइस, आज जो मैं आपको टॉपिक कराने वाली हूँ उस टॉपिक का नाम है सैंपल और सैंपलिंग का टेक्निक, यानी हम कैसे यहाँ पर रिसर्च जब करते हैं तो किस तरीके से हम अपना सैंपल डिसाइड करते हैं और उस सैंपलिंग को कैसे करते हैं, इसके क्या टाइप होते हैं। इस क्लास को जो मैंने बनाया है इस तरह से बनाया है, पहले एक्सप्लेनेशन फिर क्वेश्चन, फिर एक्सप्लेनेशन फिर क्वेश्चन, और बाद में प्रैक्टिस के लिए काफी सारे क्वेश्चंस को डाला है। सो 50% इसमें क्वेश्चन है, 50% इसमें थ्योरी है। होता क्या, पढ़ लेते हैं पर कर नहीं पाते हैं जस्ट बिकॉज क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। तो चलिए, और सबसे अच्छी बात है कि आप बच्चे ही हैं, फाइनली स्टूडेंट हैं, तो जब स्टूडेंट होता है तो उसको ना थोड़ा सा कलरफुल, थोड़ा सा पिक्चर्स अच्छी लगती हैं। तो ये पिक्चर बेस्ड क्लास है जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा पिक्चर से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो शुरू करें क्लास को। ज्यादा से ज्यादा मोस्टली लोग आ चुके हैं। जब भी आप रिसर्च करने जाएंगे तो आपके सामने तीन चीजें आती हैं। एक आता है पॉपुलेशन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में जनसंख्या, दूसरा आता है सैंपल, और तीसरा शब्द है यहाँ पर सैंपलिंग। तीन शब्द हैं जिससे आपका सबसे ज्यादा यहाँ पे पाला पड़ेगा जब भी आप रिसर्च करेंगे कि पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है और सैंपलिंग क्या है, ठीक है। ये तीन टॉपिक हैं जो आपको सबसे पहले पता होने चाहिए। इसके बाद पॉपुलेशन कई टाइप की होती है, रियल पॉपुलेशन, आर्टिफिशियल पॉपुलेशन, डेफिनेट पॉपुलेशन, इनफाइनाइट पॉपुलेशन, कई तरह की पॉपुलेशन होती है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी हम देखते हैं कि पॉपुलेशन क्या है, जनसंख्या हम किसको कहते हैं। पॉपुलेशन इज अ कंप्लीट सेट ऑफ पीपल विद अ स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक। तो जनसंख्या विशिष्ट विशेषताओं वाले लोगों का एक संपूर्ण समूह होता है। कैसा समूह होता है, संपूर्ण। अब एक होता है यहाँ पर डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट, या एक होता है इनफाइनाइट और एक होता है आपका इनफाइनाइट, और दूसरा बोलते हैं उसको फाइनाइट, परिमित और अपरिमित। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, जिसका हम तुलना, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे आसमान में कितने तारे हैं इसको आप नहीं बता सकते हैं, जिसकी आप गणना नहीं कर सकते उसको हम बोलते हैं। ये कैसी पॉपुलेशन है, ये आपकी इनडेफिनेट पॉपुलेशन कहलाएगी। रियल पॉपुलेशन वैसी पॉपुलेशन होती है जिस पे हम काम कर रहे होते हैं, और आर्टिफिशियल होती है जिसको हम सोच के चलते हैं ऐसा हो सकता है। तो पॉपुलेशन का मतलब है कि किसी भी जनसंख्या के विशिष्ट आवश्यकता वाले, यानी कि पीपल विद अ स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक, उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। सैंपल किसको बोलते हैं, सैंपल क्या है, इसी पॉपुलेशन का सबसेट है। सबसेट यानी कि उपसमूह है, यानी कि एक जनसंख्या से हम जो डेटा स्टडी करने के लिए लेते हैं उसको हम सैंपल बोलते हैं। और सैंपलिंग क्या है, एक ऐसा एक्ट, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी टेक्निक जिसके द्वारा हम सैंपल को कलेक्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सैंपलिंग। इसको बोलते हैं हिंदी में नमूना, और इसको बोलते हैं प्रतिचयन या प्रतिदर्शन या नमूनाकरण, कुछ भी आप कह सकते हैं।
तो तीन चीजें आई हमारी समझ में कि पॉपुलेशन, सैंपल और सैंपलिंग। अब इसको ये तो हमने वर्ड में समझा, अब मैं आपको इसको पिक्चर्स में दिखाती हूँ। एक डायग्राम है हमारे पास, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, यानी कि मैं ये कहूं कि ये जो टोटल यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, ये यूपी में, यूपी एक स्टेट है, इस उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग, उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग, इनको हम क्या बोलेंगे, ये है हमारी पॉपुलेशन, जनसंख्या है। अब इस जनसंख्या में से हम टीचर्स के ऊपर स्टडी करना चाहते हैं, किसके ऊपर स्टडी करना चाहते हैं, टीचर्स के। अब टीचर्स किस पे करना चाहते हो, मान लो फीमेल टीचर पे करना चाहते हो, जूनियर पे करना चाहते हो, हाई स्कूल पे करना चाहते हो, आप हायर पे करना चाहते हो, किस पे करना चाहते हो, तो जिन लोगों को आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया उनको बोलते हैं हम सैंपल या नमूना या प्रतिदर्श। ठीक है, और आपने जिस तरीके से, यानी कि जिस मेथड से, जिस तरीके से, जिस एक्ट से, जिस प्रक्रिया से इस पॉपुलेशन में से इसको चुना, यानी कि सेलेक्ट किया, इस सेलेक्ट करने के तरीके को, यानी कि एक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, सैंपल, सैंपल यानी कि सैंपलिंग। प्रतिदर्शन, समझ में आया, किसी को कोई कंफ्यूजन, पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है और सैंपलिंग क्या है? क्लियर हुआ सबको? क्लियर है? ऐसे तो पता नहीं चलेगा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मैं आपसे तीन प्रश्न पूछूंगी, तीनों प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा तो मैं मान लूंगी कि आपको क्लियर हो गया। ठीक है, एक चीज और जान लीजिएगा, ये पॉपुलेशन दो तरीके की हो सकती है, ये पॉपुलेशन दो तरीके की हो सकती है, एक हो सकती है इनफाइनाइट। ठीक है, यानी कि जिसको बोलते हैं इनफाइनाइट, यानी कि हम गिन नहीं सकते। एग्जाम्पल के लिए, हमारे बाल में, हमारे सर में कितने बाल है नहीं पता, ऐसे ही आसमान में कितने तारे हैं नहीं पता। तो इनफाइनाइट यानी कि जिसकी गणना नहीं कर की जा सकती, अपरमिति। और एक होती है आपकी फाइनाइट, यानी कि जिसको हम चुन सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, इसको बोलते हैं परिमित। तो सीधी सी बात है, जब हम रिसर्च करते हैं तो हमको किस, कौन सी वाली पॉपुलेशन से मतलब होता है, फाइनाइट पॉपुलेशन से मतलब होता है। हम ये स्टडी नहीं करने जाएंगे कि आसमान में कितने तारे हैं, है ना, गिन ही नहीं सकते आप। So, इस तरीके से यहां पर ये हो गया हमारा पॉपुलेशन, सैंपलिंग और सैंपलिंग। अब हम देखते हैं इसके ऊपर तीन क्वेश्चन। पहला प्रश्न है आपके सामने, अ सैंपल कंसिस्ट ऑफ, एक नमूने में क्या शामिल होता है, ऑल यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन, 5% यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन, 10% यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन, एनी फ्रैक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। जनसंख्या की सभी इकाइयां, जनसंख्या की 5% इकाइयां, जनसंख्या की 10% इकाइयां, या जनसंख्या का कोई भी अंश। सही उत्तर बनाना, मुझे गलत उत्तर नहीं चाहिए। एक सैंपल में क्या होता है, मैं भी आपकी चैटिंग को ओपन कर लेती हूं। वीडियो को लाइक भी कर दें सभी लोग। आज मैंने बहुत मेहनत की है, सुबह से मैंने दूसरा कोई काम ही नहीं किया इसके अलावा। लाइक चैट, अच्छा किसी को भी कंफ्यूजन नहीं है, वेरी नाइस। ए कुलदीप सिंह, ए क्यों हो सकता है, ऑल यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन आप ले लोगे? कुलदीप आपने बताया कि हम यहाँ पर सब ले लेंगे,
पॉपुलेशन में सब ले लोगे ऑल यूनिट? नहीं भाई, ऑल यूनिट का मतलब है कि पूरी पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कुलदीप, है ना। सो यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा डी इज द करेक्ट आंसर। अमर, ए कैसे हो सकता है? हम पूरी पॉपुलेशन की सभी यूनिट्स को नहीं ले सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर सिर्फ एनी फ्रैक्शन यानी कि जनसंख्या के किसी अंश के ऊपर स्टडी करते हैं, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन बताइए। सैंपलिंग इज यूज्ड इन द सिचुएशन, सैंपलिंग का प्रयोग हम किस स्थिति में करते हैं, किन स्थितियों में किया जाता है? ब्लड टेस्ट ऑफ द पेशेंट, हमें किसी पेशेंट का ब्लड टेस्ट लेना है तो क्या हम सैंपलिंग करेंगे, ये उदाहरण हो सकता है। दूसरा, कुकिंग राइस इन द, जो भी हमारा भगोना है या जो भी हम जिसमें कुकर है जिसमें हम कुकिंग करते हैं, तो कोई बर्तन है तो उसमें हम चावल पका रहे हैं, उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हम पूरा शॉपकीपर से कुछ सामान खरीद रहे हैं, तो क्या इनमें से कौन सा सही होगा? तो सैंपलिंग का यूज हम इसमें से कहां कर सकते हैं? ऑल ऑफ द एवर। गुड, सही, बिल्कुल सही है ना। चाहे आप इनमें किसी में भी सैंपलिंग का प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। सैंपल इज रिगार्डेड एज अ सबसेट ऑफ, प्लीज मैं भी एक्सप्लेन करती हूं। सैंपल इज रिगार्डेड एज अ सबसेट ऑफ, नमूने को किसका उपसमूह माना जाता है? डेटा का, सेट का, डिस्ट्रीब्यूशन का, पॉपुलेशन का? ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। नमूना यानी कि जो हम यहाँ पर सैंपल लेते हैं, सैंपल किसका सबसेट होता है? मैंने जो आपको एग्जांपल जब मैंने आपको पढ़ाया था तभी मैंने आपको बताया था, ध्यान से देखिए। सैंपल इज अ सबसेट ऑफ, किसका सबसेट होता है? पॉपुलेशन का सबसेट होता है। यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा आपका? सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, तो जनसंख्या का ही सबसेट होता है सैंपलिंग। एक क्वेश्चन आया मेरे पास कि इसमें से हमें ये बताना है कि ब्लड टेस्ट या कुकिंग राइस, ये इनमें से कौन सा सैंपलिंग का यूज हो सकता है, कौन सा सैंपलिंग का यूज नहीं हो सकता है। देखिए इसका आंसर कि मान लीजिए एक रोगी है ना, और हमें क्या करना है, इसका ये पता लगाना है कि इसको कौन सी बीमारी है। तो हम इसका पूरा खून नहीं निकालेंगे, हम इसमें से, ये पूरा आदमी है और इसमें से हमने थोड़ा सा ले लिया, तो ये क्या हो गया? सैंपलिंग हो गई। दूसरा देखिए, हमने चावल बनाया और हमें ये पता करना है कि हमारा चावल पक गया है या नहीं पक गया है, यानी कि कुक हो गया है या नहीं हो गया। तो क्या किया हमने, इसमें से एक दाना निकाला, उस एक दाने को टच करके देखा पक गया है कि नहीं, तो ये भी क्या हो गया कि पूरे में से थोड़ा ले लिया, पूरे में से थोड़ा, इट इज ऑल्सो। और हम एक दुकानदार से हमने क्या लिया, कुछ सामान लिया, उसके पास तो बहुत सारा सामान था, उसके पास बहुत सारा सामान था और उसमें से हमने कुछ आइटम अपने लिए सेलेक्ट कर लिए, तो ये जो कुछ आइटम है वो भी सैंपलिंग कहलाएगी। तो सैंपलिंग का जो यूज है वो हम अपनी डेली लाइफ में भी करते हैं और बहुत बहुत किचन में तो इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। अब देखिए, जब आप सैंपलिंग करने जाएंगे तो सैंपलिंग के यहाँ पे दो तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? ऐसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन अगर हमसे ये पूछा कोई कि सैंपलिंग की टेक्निक्स कितने टाइप की होती हैं, तो वी कैन से रिसर्च आर यूज्ड टू मेजर सैंपलिंग टेक्निक्स, वन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड सेकेंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। बहुत क्लियर मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर दो तरीके की सैंपलिंग है, एक है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और दूसरी है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं हिंदी में संभाव्यता और दूसरी को बोलते हैं असंभाव्यता या गैर संभाव्यता। तो यहाँ पर जब रिसर्चर रिसर्च करता है तो उसके दिमाग में ये रहता है कि मुझे कौन सी टेक्निक चुननी है। तो प्रोबेबिलिटी में और नॉन प्रोबेबिलिटी में अंतर क्या है? बेसिक सा हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का क्या मतलब है कि जब हम यहाँ पर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं
तो एक के सेलेक्ट होने से दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, एक को नहीं, किसी एक को सेलेक्ट नहीं करना है, सबको इक्वल चांस मिलना चाहिए। और नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि असंभाव्य होती है। एग्जांपल के लिए आप सभी यूजीसी नेट का एग्जाम देंगे, अब हमें बच्चों को पास करना है, कितने बच्चों को पास करना है, 6% को पास करना है। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या कहेगी कि 6% में से जिन बच्चों के मार्क्स ज्यादा हैं, ठीक है, हम किसको सेलेक्ट करेंगे, जिन बच्चों के मार्क्स ज्यादा होंगे उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, जो भी मेरिट में हाई होंगे। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या कहेगी कि एक काम करते हैं कि इसमें से जिनका नाम ए से शुरू होता है, जिनका नाम ए से शुरू होता है, सिर्फ उन्हीं लोगों को सेलेक्ट कर लेते हैं। या एक काम करते हैं, 6% में से 3% बॉयज ले लो और 3% लड़कियां ले लो, तो क्या हो गया, बाइसनेस हो गई। तो सीधी सी बात है, जब भी कोई जॉब होती है, जब भी कोई टेस्ट होता है, सभी को यहां पर इक्वल चांस दिया जाता है, यानी कि समान, सभी के साथ क्या सा व्यवहार किया जाता है, समानता का। तो इसको हम बोलते हैं इक्वल चांस। तो इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। और नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब है यहां पर सभी को बराबर चांस नहीं दिया जाता है। डिफरेंस क्लियर है? देखिए, probability sampling a research can specify the probability of elements being included in the sample. एक शोधकर्ता नमूने में किसी तत्व या प्रतिभागी के शामिल होने की संभावना को निर्दिष्ट कर सकता है, कोई भी शामिल हो सकता है, सभी को यहां पर बराबर चांस दिया जाएगा, किसी के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव डिफरेंस नहीं किया जाएगा। इसको, इस सैंपलिंग टेक्निक को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। और नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होती है, देयर इज नो वे ऑफ एस्टिमेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट्स बीइंग इंक्लूडेड इन अ सैंपल, यानी कि यहां पर किसी भी तत्व के शामिल होने की जो संभावना है उसके अनुमान लगाने का कोई भी तरीका नहीं होता है, यहां पर इक्वल चांस नहीं मिलता है। एग्जाम्पल देखिए, मैंने ये तय किया है कि एक लाइन तो मैं इधर से ले लेती हूं और एक लाइन मैं इधर से ले लेती हूं, तो ये क्या हो गया, नॉन प्रोबेबिलिटी। दूसरा, मैंने तय किया है कि मैं जब सेलेक्ट करूंगी तो बीच में कुछ लोगों को सेलेक्ट करूंगी, ठीक है, मेरिट में जिसने अच्छा एग्जाम दिया वो पास होगा। मान लो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 35 लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे भी 35 लोग हैं, तो इन लोगों ने एग्जाम दिया, तो इसमें से जो जो पास हुआ, जिस जिसके मार्क्स ज्यादा आए उसको मैंने यहाँ पर ले लिया, तो क्या हो गया, कोई भी इक्वल चांस है सभी को। दूसरा तरीका क्या है, आधे इधर से ले लिए, आधे इधर से ले लिए, डजंट मैटर एग्जाम में कौन पास हुआ, कौन फेल हुआ, किसके मार्क्स ज्यादा आए, किसके मार्क्स कम आए। तो अब आपको बहुत क्लियर है कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है। किसी को कोई कंफ्यूजन इस चित्र से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें हमें चित्रों से ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। तो ये जो तरीका होता है, इस तरीके को हिंदी में बोलते हैं यादृच्छिक, क्या बोलते हैं इस तरीके को, यादृच्छिक, और इंग्लिश में बोलते हैं रैंडम। तो जितनी भी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होगी, जितनी भी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होगी वो कैसी होगी, रैंडम सिलेक्शन होगा। यहाँ पर लोगों का जो सिलेक्शन किया होगा, रैंडम सिलेक्शन किया हो गया, यानी कि यादृच्छिक तरीके से यहां पर सेलेक्ट किया गया होगा, नॉन रैंडम।
नाउ क्लियर। चलो एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को एक्सप्लेन कर रहा है अच्छी तरीके से। पहले हिंदी में देख लीजिए, पहले इंग्लिश में देख लीजिए, फिर मैं हिंदी में दिखाती हूँ। इन अ प्रोबेबिलिटी सैंपल द पार्टिसिपेंट आर चूज रैंडमली व्हाइल अ नॉन रैंडम पार्टिसिपेंट आर चूज नॉन रैंडमली। अपने आप पढ़िए करके देखिए। आंसर क्या होगा? डी कुलदीप। कुलदीप आपका थोड़ा सा कंसेप्ट गड़बड़ है, दो क्वेश्चन आपके गलत हो चुके हैं। ठीक है, इंटरव्यू का तो नाम भी नहीं लिया मैंने अभी तो इंटरव्यू का नाम ही नहीं लिया। जस्ट पहले वाली स्लाइड में बताया था कि रैंडम सेलेक्ट करने का डिफरेंस क्यों करते हैं हम रैंडम सैंपलिंग के और नॉन रैंडम जो टेक्निक है हमारी, यानी कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में जो डिफरेंस किया जाता है वो किसके आधार पे किया जाता है कि यहाँ पे हमने पॉपुलेशन में कैसे सेलेक्ट किया है, तरीका हमारा यादृच्छिक था या गैर यादृच्छिक था, यानी कि जनसंख्या में से हमने जब चुनाव किया तो हमारा तरीका यादृच्छिक और गैर यादृच्छिक रैंडम और नॉन रैंडम के आधार पर भी हम यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं। तो क्लियर है? क्लियर, यही बताया था रैंडम और नॉन रैंडम। अब देखिए अगर हमें यहां पर कभी भी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करनी है तो इसके लिए तीन शर्तें पूरी होनी चाहिए, तीन शर्तें या कह सकते हैं तीन पहले से डिसाइड फैक्टर हैं वो पूरे होने चाहिए तभी हम इसको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मानेंगे। पहली बात यह है कि जहां से भी आप सैंपलिंग कर रहे हो, कहां से सैंपलिंग करोगे? पॉपुलेशन में से करोगे या यूनिवर्स से करोगे? तो जहां से भी आप को सैंपलिंग कर रहे हो इसका साइज आपको पता होना चाहिए, साइज पता होना चाहिए। जब तक आपको साइज नहीं पता होगा तब तक आप प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं अगर उत्तर प्रदेश में कितने टीचर्स हैं तो पहले मुझे पता होना चाहिए कि टोटल टीचर हैं यहाँ पर 1,00,000, तो इन 1,00,000 लोगों में से मुझे कितने लेने हैं, नंबर भी पता होना चाहिए, मुझे सिर्फ 1,000 लेने हैं। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड साइज ऑफ सैंपल आपको पहले से क्लियर होना चाहिए, यानी कि हमें कितना डेटा लेना है और कितनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन है, ये दो शर्तें पूरी जरूर करें पहली बार। और तीसरा तरीका है कि यहाँ पर जो आप तरीका अपनाएंगे वहां पर आप सभी को शामिल होने का जो चांस है वो इक्वल देंगे। तो जब ये तीन शर्तें कोई डेटा पूरा करता है तब हम वहां पर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी में इस तरह की कोई भी शर्त नहीं होती है। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि क्या शर्तें होती हैं, क्या यहाँ पर पहले से डिसाइड फैक्टर होते हैं, तो तीन ही फैक्टर हैं कि जब हम पॉपुलेशन सेलेक्ट कर रहे हैं तो पॉपुलेशन का पूरा साइज पता होना चाहिए, यानी कि पॉपुलेशन फाइनाइट होनी चाहिए, और वहां पे हमें कितना साइज का सैंपल लेना है ये भी पता होना चाहिए, और वहां पर सभी को हम इक्वल चांस देंगे तब इसको हम क्या बोलते हैं आपकी सैंपलिंग के शर्त। ओके, तो इतना क्लियर है। अब देखिए सैंपलिंग को प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग लेने के और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के कुछ लाभ हैं
कुछ हानियां हैं। हम मान लीजिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इतनी बढ़िया है फिर भी हम चूज नहीं करते हैं, उसका कारण क्या है? इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो पहले हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के क्या एडवांटेज होते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के, दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज एज ए रिसर्चर आपको पता होने चाहिए। पहली बात है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सैम्पलिंग लेना बहुत आसान होता है, इसमें काम करना आसान होता है, ठीक है। इसमें पहले से कोई धारणा नहीं होती है, प्री अजम्पशन हमारे दिमाग में पहले से कोई जजमेंट वगैरह नहीं होता है। यहाँ पर विश्वास जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, विश्वसनीय होती है। और यहाँ पर जो सैंपलिंग एरर है, यानी कि जब सैंपलिंग लेने में हम कुछ गलती करते हैं तो उसको बोलते हैं सैंपल एरर। तो सैंपलिंग एरर जो है वो सबसे कम होती है। और यहाँ पर इसका जो यूज है, हमने एक बार अगर कर लिया रेंडम तरीके से तो हम इसे नॉन प्रोबेबिलिटी में भी करना चाहें तो आसानी से हो जाएगी, यानी इसका जो एप्लीकेशन है दोनों पे हो सकता है। तीसरी चीज है, यहाँ पर कोई सिस्टमेटिक वाइजनेस नहीं होती है, यानी कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई पूर्वाग्रह नहीं होता है। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग लेने के फायदे हैं। इसके नुकसान क्या है, नीरस होती है, थकाऊ प्रक्रिया है, ठीक है, बहुत ही मोनोटोनस होती है। यहाँ पर कभी कभी ये हो जाता है जटिलता, कॉम्प्लेक्स, है ना, कि हम जब इसको कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी कभी कभी बढ़ जाती है, हमेशा नहीं बढ़ जाती है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम किसी एक ही क्लास को चुनने का चांस यहाँ पे हो सकता है, और सबसे बड़ी बात है ये थोड़ी महंगी होती है और इसमें टाइम ज्यादा लगता है। इसका सबसे बड़ा कमी है कि इसमें टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए लोग प्रोबेबिलिटी। सो मैं बात कर रही थी आपसे कि हम जिसकी वजह से इसको बहुत ज्यादा किया जाता है, इसको इसलिए किया जाता है इन केस इंडिविजुअल इज नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट। मान लीजिए आप रिसर्च करना चाहते हैं कि ऑनलाइन टीचर्स का कितना कमांड है अपने सब्जेक्ट पे, और आपने मुझसे कहा कि मैम क्या करिए कि इस पे आप डेटा भर के भेज दीजिए, मैंने आपको नहीं भेजा। दैट मींस कि कुछ पार्टिसिपेंट कभी कभी आप उन पे रिसर्च करना चाहते हैं पर वो इसको खुद से शामिल नहीं होना चाहते। So, इस तरह की जब प्रॉब्लम होती है तब हम वहां पे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को कर सकते हैं। ये महंगी कम होती है और इसमें टाइम कम लगता है, और यहाँ पर सैंपलिंग जो मेथड होता है उसको यूज करना बहुत ज्यादा आसान होता है, और ये हमारे बहुत ही कन्वीनियंट तरीके की होती है। इसको कैसे भी कर लो, मैं दोबारा बता देती हूँ। इसका एडवांटेज समझिए कि पहला एडवांटेज ये है कि आप ऑनलाइन टीचर्स के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं और आपने मुझे डेटा भेजा कि मैम भर के दे दीजिए, मेरा मन नहीं है, मैंने आपका डेटा नहीं फिल किया। तो ये क्या हो गया कि अगर कोई पार्टिसिपेंट उसका मन नहीं है, आपने तो उसे रैंडम सेलेक्ट कर लिया लेकिन वो आपके साथ रिसर्च में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है, इन दैट केस हमें नॉन प्रोबेबिलिटी करनी पड़ेगी। और कम महंगी होती है, ठीक है, कम महंगी होती है, और यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करना ज्यादा आसान होता है। तो ये इसके क्या है, एडवांटेज है। अब हम बात कर रहे हैं इसके डिसएडवांटेज की, कि इसकी क्या हानियां हैं। इसके डिसएडवांटेज समझिए, Only accessible individuals are chosen and reduce the chance of assimilating, ठीक है। तो यहाँ पर सुलभ व्यक्तियों को ही चुना जाता है और उनके आत्मसात करने की जो संभावना होती है वो कम हो जाती है। No way to judge the accurate representation, हम यहाँ पर जनसंख्या का सटीक प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। Much depend on researcher judgment, इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि रिसर्चर के जजमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। इसमें हम मार्जिन और एरर को एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पर जो एरर होती है वो वैसे भी ज्यादा होती है, ये थोड़ी सी बाइज होती है और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। ये इसके क्या है, यहाँ पर डिसएडवांटेज हैं जो आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में देखे जाते हैं। तो क्लियर है इतना। अब देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो मेन बात है जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं कि रिसर्च में प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के टाइप्स, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो आधा का क्वेश्चन गाइस इसी पे आ जाता है
कि कौन सा किस में आता है, जैसे प्रोबेबिलिटी यानी कि संभाव्य, और ये है असंभाव्य। तो एक तो आपको ये चीज एकदम से रटी हुई होनी चाहिए कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में कौन आएगा और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में कौन आएगा, ये चीज आपको एकदम से क्लियर होनी चाहिए। तो इसको एकदम रट डालिएगा कि आपका सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग और सिस्टमैटिक सैंपलिंग। तो रैंडम, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर और सिस्टमैटिक, ये इसको ऐसे याद रख लो, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग और आपकी सिस्टमैटिक सैंपलिंग। वो तीन तो आपके एस से ही हैं, है ना, एस 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 और सी। एस एस सी में एक एस और जोड़ दूं, ट्रिपल एस सी। ट्रिपल एस सी क्या होता है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग और क्लस्टर सैंपलिंग। हिंदी में इसको बोलते हैं सिंपल रैंडम को, सरल यादृच्छिक नमूना। स्ट्रेटिफाइड को बोलते हैं आपका स्तरीकृत, स्तरीकृत। इसको क्लस्टर को क्लस्टर ही बोलते हैं, कुछ जगह क्षेत्र लिखा होता है बट ज्यादातर क्लस्टर नाम ही यूज होता है। और इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक यानी कि व्यवस्थित। ओके, इसके बाद आती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इसमें आती है कन्वीनियंस, कोटा, स्नोबॉल और जजमेंटल। ये चार जो हैं, कन्वीनियंस, कोटा, स्नोबॉल और जजमेंटल, इसका कोई कोड बनाकर आप इसको याद कर लीजिएगा। सबसे पहला आपका काम ये है कि आप इसको याद करें। अब देखो, मल्टी स्टेज जो सैंपलिंग है, बहुत सारी किताबें इसमें रखती हैं इसको, मल्टी स्टेज बताती हैं कि मल्टी स्टेज सैंपलिंग जो है वो इसका पार्ट है। कुछ लोगों का मानना है कि मल्टी स्टेज टाइप जो है वो मिक्स्ड सैंपलिंग है, यानी कि हम यहाँ पर तीन ग्रुप बना रहे हैं, यानी कि वो अलग टाइप की है, मिक्स्ड। तो उसको मिक्स्ड को हम बोलते हैं मल्टी स्टेज। तो ये बहुत ज्यादा वेरिएशन है, तो इसलिए अलग से याद रखो मल्टी स्टेज। ओके, आप चाहे किसी में याद रखो, डजंट मैटर, हिंदी या इंग्लिश में। अब मैं आपको क्वेश्चंस दिखाती हूँ कैसे क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछे गए हैं, आंसर करिएगा। ठीक है, आंसर करना गाइस मस्ट है, सिर्फ देखना नहीं, आंसर भी करना है, है ना। बहुत सारे लोग आंसर करने में हिचकते हैं, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा तो सीख तो जाओगे। क्या आंसर होगा इसका? Which of the following sampling method, probability method? इनमें से कौन सी विधि संभाव्य विधि है? तो याद रहेगा कन्वीनियंस, कोटा और जजमेंटल आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। और ये जो है सबसे ज्यादा हर एग्जाम में इसी के क्वेश्चन आते हैं। देखो, अंदर से क्वेश्चन लोग बहुत कम पूछते हैं, बहुत कम एग्जाम्स में डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्यादातर क्वेश्चन आपके यही आ जाते हैं कि इनमें से कौन सी आपकी प्रोबेबिलिटी है, कौन सी नॉन प्रोबेबिलिटी है। तो एकदम से याद कर लो। चाहो तो मैं आपको एक और सरल तरीका बताऊं, आप बस इनको याद कर लो, आप बस इन चार को याद कर लो प्रोबेबिलिटी। उसके अलावा आपको जितनी भी मिलेंगी आपको इसे याद करने की जरूरत ही नहीं है। सरल तरीका बता रही हूँ, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ याद कर लो कि प्रोबेबिलिटी कौन सी है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी तो आप आसानी से बता ही दोगे, आई समझ में, क्योंकि ये और भी हैं।
यहाँ पर मैंने आपको चार ही बताई हैं, ये बहुत सारी हैं, जैसे डेंस सैंपलिंग आती है, इसी में आती है, ठीक है, कई तरह की सैंपलिंग आती है जो आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी होती है, परपजिव होती है ना, सैचुरेशन होती है, डेंस होती है, कई सारी अलग अलग होती है। तो क्या करो, इन चार को याद कर लो कि ये प्रोबेबिलिटी होती है, बाकी बची सारी क्या होंगी, नॉन प्रोबेबिलिटी। आसान है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। Which of the following is not a type of non-probability sampling? इस तरह का क्वेश्चन यूजीसी बहुत पूछता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, और बच्चे नहीं बस भूल जाते हैं। मल्टी स्टेज में देखो, इग्नू ने इसका आंसर मल्टी स्टेज को प्रोबेबिलिटी में रखा है। मैं जिस किताब से पढ़ाती हूँ, जिससे खुद पढ़ती हूँ, उसने इसको मिक्स्ड में रखा है। बाकी हिंदी मीडियम की ज्यादातर किताबों को इसमें नॉन प्रोबेबिलिटी में रखा है। तो मैंने तीनों में इसको देखा है, और तीनों ही बहुत अच्छे स्रोत हैं। तो इसको अलग से दिमाग में रखो कि मल्टी स्टेज सैंपलिंग किसी में भी आ सकता है, किताबों में अलग अलग दिया हुआ। अभी हम पढ़ेंगे तो आप खुद से निश्चित कर लेना किस में है। जब आप मल्टी स्टेज पढ़ोगे ना, तो खुद डिसाइड कर लेना कि किस में रखें। ओके, इसका आंसर क्या होगा, कौन सा यहाँ पर, देखो कोटा, कन्वीनियंस और स्नोबॉल, ये आपके किस में आते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी में। तो बचा कौन सा, स्ट्रेटिफाइड। आप स्ट्रेटिफाइड को बस याद रखो। तो इस तरीके से अगर आपको सिर्फ एक भी आपने याद कर लिया, तो आपका काम हो जाएगा। चलिए अब हम थोड़ा सा इन सभी को डिटेल में समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी डिटेल में आता है। इट इज अ सैंपलिंग टेक्निक इन विच ईच एलिमेंट, ये शब्द बहुत ध्यान रखना, एलिमेंट पूछ लिया जाता है, ठीक है, किसके आधार पे होता है, सिलेक्शन जो होता है, एलिमेंट बोलते हैं उसको। ईच एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ रेंडमाइजेशन, एंड हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज रेंडम सैंपलिंग। तो हम इसको रेंडम सैंपलिंग भी कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मतलब रेंडम सैंपलिंग ही है। तो यह प्रतिचयन की एक तकनीक है, जिसमें जनसंख्या के प्रत्येक तत्व, तो ये पूछा जाता है कि किसको शामिल करते हैं, तत्व को करते हैं, डेटा को करते हैं, इंफॉर्मेशन को करते हैं, किसको, तो एलिमेंट को करते हैं, समान संभावना होती है, और इसका जो बेस होता है वो होता है यादृच्छिकरण या रैंडम सैंपलिंग। अब ये कई सारे टाइप की होती है, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं, पहला टाइप है हमारा सिंपल रैंडम सैंपलिंग। इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूं, तब आपको क्लियर होगा। मेरे क्लास में टोटल 60 स्टूडेंट है, नहीं 60 नहीं, 112 है। कितने स्टूडेंट है, 112। इसमें से मुझे 12 बच्चों का सिलेक्शन करना है, जिनको मैं अपनी तरफ से गिफ्ट दूंगी दिवाली का। इनको मैं क्या दूंगी, गिफ्ट दूंगी। अब पहली बात तो ये है कि गिफ्ट सबको चाहिए। मेरे पास सिर्फ 12 गिफ्ट है। कितने गिफ्ट है, ओनली 12 गिफ्ट है, और मैं 12 गिफ्ट ही दे सकती हूँ। तो अब क्या करें, कैसे सेलेक्ट करें, ऐसे सेलेक्ट करें कि दूसरे व्यक्ति को बुरा ना लगे, है ना, एक को देंगे एक को नहीं देंगे तो खराब लगेगा ना। तो मुझे ये ध्यान रखना है कि जो सेलेक्ट करूं तो किसी को भी खराब नहीं लगे। तो इसके लिए गाइस मैंने क्या किया, कुछ लाना पड़ेगा, गाइज मैंने क्या किया कि भाग के किचन से डिब्बा उठा लाई। इस पर्ची पे 112 बच्चों के नाम लिख के इसमें डाल दिया। एक पर्ची पे, एक स्लिप पे 112 बच्चों के नाम लिख के डाल दिए, ठीक है, और इसको ऐसे आपस में शेक कर दिया आंखों पे, और ज्यादा अच्छा करने के लिए अपनी आंखों पे पट्टी भी बांध ली। अब इसमें से मैं वन बाई वन
किन्हीं 12 बच्चों के नाम निकालूंगी, किसी को खराब लगेगा बताइए, किसी को खराब लगेगा, नहीं लगना चाहिए। तो इसमें से मैं 12 बच्चों के नाम सेलेक्ट कर लूंगी और उन 12 बच्चों को मेरी तरफ से यहाँ पे गिफ्ट मिल जाएगा। सो दिस इज द रैंडम सैंपलिंग, समझ आया? यानी कि इंडिविजुअल फ्रॉम द पॉपुलेशन गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। सबको हम दे नहीं सकते हैं, एज पर माई रिसोर्सिस में सबको नहीं दे सकती हूँ, तो मैंने क्या किया, कुछ लोगों को दे दिया। इसके बहुत सारे तरीके हैं, सिर्फ लॉटरी मेथड ही नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा हम कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास ये इग्नू का PDF है, ये हिंदी में भी मिल जाएगा, इंग्लिश में भी मिल जाएगा, आई विल शो यू। इसको अगर चाहिए डिटेल में पढ़ने के लिए, सिर्फ सैंपलिंग का है, 12 पेज है, ले लेना, थोड़ा पढ़ लेना। जैसे लॉटरी मेथड, इस तरीके को बोलते हैं लॉटरी मेथड। दूसरा है रोटेटिंग ड्रम, हमने क्या किया, ड्रम को ड्रम पे लिखकर उसको रोटेट कर लिया, जैसे नहीं बॉटल को घुमाते हैं ऐसे रखकर, जिसकी तरफ नेक आएगा वो गाना गाएगा, ऐसे करते हैं ना बॉटल के साथ, ऐसे ही सीक्वेंस बना लिया। ठीक है, एक सीक्वेंस बना लिया और उस सीक्वेंस में से हमने हर 5वां या हर 10वां व्यक्ति सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से जब हम काम करेंगे तो उसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, आपकी रैंडम सैंपलिंग कहलाएगी। ठीक है, इतना क्लियर है? क्लियर है या नहीं है, से यस और नो। आज के बाद मुझे ये नहीं सुनना है कि मैम सैंपलिंग नहीं आती है, रिसर्च नहीं आती है। रिसर्च अपने आप में कोई एक चीज नहीं है, रिसर्च का मतलब है बहुत सारे टॉपिक, उस टॉपिक में से कुछ टॉपिक को क्लियर करो, अपने आप ही पता चल जाएगा, है ना। एक नहीं आती है तो ये देख लो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बच्चे हैं। आगे चलकर मैंने अपना प्लान बदल दिया कि अब मैं 12 बच्चों को भी नहीं दे पाऊंगी, अब मेरा मन बदल गया है, अब मैं सिर्फ 3 बच्चों को दूंगी। अब 3 उन 12 में से भी 3 को सिलेक्ट कर लो, तो 3 को ले लिया, 5 को ले लिया और 11 नंबर को ले लिया। तो ये भी क्या है, एक तरीके से सिंपल रैंडम सैंपलिंग कहलाएगी। ठीक है, चलिए, गुड, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। ये आपके लोग हैं, इन लोगों में से मैंने 3 लोगों को चुना, और तरीका क्या है, पहले इसको छोड़ दिया, फिर 2 को छोड़ दिया, फिर इसको छोड़ दिया, किसी भी तरीके से, चाहे लॉटरी से कर लो, चाहे सिक्वेंस से कर लो, चाहे बॉटल घुमा के कर लो, जैसे इच्छा वैसे कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में क्या होता है कि पॉपुलेशन, अब थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो रहा है टॉपिक, तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आज मैं पूरा खत्म करूंगी, चाहे 2 घंटे हो जाए, चाहे 1 घंटा हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्ट्रेटा बनाते हैं, स्तर, हिंदी में बोलते हैं स्तर और इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटा, यानी कि स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में हम स्ट्रेटा बना लेते हैं। और जो ये स्ट्रेटा बनाए जाते हैं उसमें हम क्या ध्यान रखते हैं कि पॉपुलेशन की जो करैक्टरिस्टिक है, ये शब्द ध्यान रखिएगा, करैक्टरिस्टिक समान होनी चाहिए। यानी कि विशेषताएं, तो स्ट्रेटा फॉर्म इन अ वे दैट अ यूनिट विद इन द ग्रुप शेयर कॉमन करैक्टरिस्टिक विद ईच अदर बट आर हेटरोजीनियस। कैसी होगी, हेटरोजीनियस, हेटरोजीनियस और होमोजीनियस, सजातीय विजातीय, इसका मतलब समझते हैं। हेटरो का मतलब अलग अलग तरह के लोग, लड़के लड़कियां, तो हेटरोजीनियस हो गया। होमोजीनियस का मतलब सिर्फ लड़के या सिर्फ लड़कियां। तो विद अदर सब ग्रुप आफ्टर विच यूनिट आर रैंडमली, यहाँ पे क्या करते हैं, रैंडमली चूजन फ्रॉम ईच स्ट्रेटा। 2 सैंपलिंग होती है, एक नॉन प्रोबेबिलिटी में है कोटा सैंपलिंग, और यहां पर है स्ट्रेटा सैंपलिंग या स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, वहां पे भी हम कोटा बनाते हैं, जैसे यहां पर हम स्ट्रेटा बनाते हैं, वहां पे हम कोटा बनाते हैं। और वो जब कोटा बनाएंगे तो रैंडम नहीं बनाएंगे, वहां पे हम नॉन रैंडम बनाएंगे। ये दोनों के बीच में अंतर होता है, एक नॉन प्रोबेबिलिटी है, ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है।
यहाँ पर पहले स्टेटा बनाएंगे विशेषताओं के आधार पे, करेक्टरिस्टिक के आधार पे, और फिर उनमें से लोगों का चयन करेंगे कैसे, रैंडम तरीके से। और यहाँ पर स्टेटा बनाएंगे, कोटा बनाएंगे और लोगों का चयन करेंगे नॉन रैंडम तरीके से। तो वो हो जाती है आपकी कोटा सैंपलिंग और ये हो जाती है आपकी स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, वो हम बाद में भी बात कर लेंगे। अभी देखिए यहाँ पर स्तर बनाए जाते हैं और स्तर में एक दूसरे के साथ समान विशेषताएं होती है। कैसी विशेषताएं होती है? समान विशेषताएं होती हैं पर दूसरों से वो विषम होती हैं, जिसके बाद प्रत्येक इकाई को प्रत्येक स्तर पर यादृच्छिक तरीके से चुन लिया जाता है। इसका डायग्राम देखिए, मुझे रिसर्च करनी थी इतने लोगों के ऊपर। अब मैंने इनमें से क्या किया, यहां पर स्ट्रेटा बना लिया। ये जो ग्रीन वाले हैं ये फीमेल टीचर हैं, ये ब्लैक वाले जो है मेल टीचर हैं, ठीक है, और ये जो लिटिल ग्रीन है, नहीं ऐसे नहीं, मैं ये देखना चाहती हूं कि यूपी डिस्ट्रिक्ट में रिलीजन वाइज यानी कि धार्मिक आधार पर कितने लोग पढ़ाते हैं। तो मैंने देखा ये आपके हिंदू, ये मुस्लिम, ये आपके बौद्ध या जैन, कुछ भी कह लीजिए, ठीक। अब मैंने इनकी करैक्टरिस्टिक कैसी है, समान है, तो ये मैंने सारे लोग सेलेक्ट कर लिए। इसमें सारे कैसे लोग होंगे, जो हिंदुइज्म को मानते हैं। इसमें सारे लोग कौन से होंगे, जो इस्लाम के फॉलोअर्स हैं। इसमें सारे लोग कौन से होंगे, जो बुद्धिज्म को मानते हैं। अब इनमें से भी मैंने क्या किया, दो लोग यहां से ले लिए, एक व्यक्ति यहां से ले लिया, दो व्यक्ति यहां से ले लिए, दो व्यक्ति यहां से ले लिए। सब में से इन स्ट्रेटा में से सभी लोगों का चयन सिलेक्शन कैसे किया, रैंडम तरीके से। इसका जो तरीका था वो कैसा था, रैंडम था। तो ये अब जो रिसर्च के लिए मेरे पास लोग बचे, कितने लोग बचे, 6 पीपल, यानी कि इस पूरी पॉपुलेशन में मैंने 6 लोगों का चयन किया। लेकिन सिलेक्शन करने के लिए पहले विशेषताओं के आधार पर, करैक्टरिस्टिक के आधार पे इनके अलग अलग स्ट्रेटा बनाए और उस स्ट्रेटा में से मैंने कुछ लोगों का रैंडम तरीके से चयन कर लिया। इसको हम स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कहते हैं। क्लियर हुआ, समझ आई स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, स्त्रीकृत? यस, वेरी गुड कल्पना। कि हेट्रोजीनियस, ये कैसे थे, हेट्रोजीनियस थे, अलग अलग तरह के, और इसको हमने कैसा बना दिया, होमोजीनियस। स्ट्रेटा जो बनेंगे होमोजीनियस बनेंगे, और फिर पॉपुलेशन मैंने हेट्रोजीनियस ही ली। सैंपलिंग हमारा हेट्रोजीनियस ही है, लेकिन ये कैसा है, होमोजीनियस। एक और एग्जांपल देख लो, ये पॉपुलेशन है यहां पर इनकम के आधार पर। तो यहां पर जो ये ग्रीन वाले हैं, इनकी जो इनकम है, ग्रीन वाले जितने भी लोग हैं इनकी जो इनकम है वो मंथली ईयरली हर साल ये 12 लाख रुपए कमाते हैं। जो ब्लू वाले लोग हैं ये हर साल 5 लाख रुपए कमाते हैं, और जो पिंक वाले हैं वो हर साल 2 लाख कमाते हैं, और ये डार्क जो ब्लू वाले हैं ये हर साल 1 लाख रुपए कमाते हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं इनकम के आधार पर लोगों का बिहेवियर कैसा होता है। तो अब कैसे सिलेक्शन करेंगे, तो हम इनके अलग अलग, ये ग्रुप कैसा है, हेट्रोजीनियस है, यानी कि विजातीय है। अब इसमें से हम कैसा ग्रुप बना लेंगे, स्ट्रेटा बना लेंगे। तो इसमें से हमने ये निकाल लिए आपके 12 वाले, ये 5 वाले, ये 2 वाले और ये 1 वाले। फिर
इनमें से हमने कुछ लोगों का सैंपल ले लिया। तो इस तरीके से चार 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 16 लोगों का सैंपल ले लिया। तो ये जो 16 का हमने सैंपल लिया है, ये हमारा तरीका जो था वो स्ट्रेटिफाइड या स्तरीकृत कहलाता है। क्लियर हुआ गाइस? थैंक यू थैंक यू। आज ये मेरे पूरे दिन की मेहनत है। सच बात तो ये है, आज मेरी पूरे दिन का हार्ड वर्क है। बहुत वर्क किया मैंने आज इस पर। ऐसे मैं डेली करूंगी, ठीक है, एग्जाम तक। इतना क्लियर हुआ स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग सभी को? अगला है हमारा क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग को हिंदी में बोलते हैं, अलग अलग नाम है इसके, कई सारे नाम है इसके, कई सारे नाम है, सारे नामों को आपको याद रखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं हम एरिया सैंपलिंग, इसको बोलते हैं क्षेत्र प्रतिचयन तकनीक। क्लस्टर तो है ही, क्लस्टर तो है ही, एरिया भी है, क्षेत्र भी बोला जाता है। और इसको एक और इसका नाम है जो बहुत चलता है हिंदी मीडियम में, जिसको गुच्छ बोलते हैं। गुच्छे, अंगूर के गुच्छे होते हैं ना, तो गुच्छ क्या होता है इसमें? थोड़ा सा मुश्किल है इसको समझना, पर समझ जाएंगे। पहली बात तो ये है कि जब हम सर्वे करते हैं, है ना, जब जनसंख्या का सर्वे करते हैं, उस केस में ज्यादातर क्लस्टर सैंपलिंग होती है। क्लस्टर सैंपलिंग का यूज कहाँ होता है? पहली बात, एरिया बहुत बड़ा हो, दूसरी बात सर्वे करना हो, तीसरी बात जनसंख्या बहुत ज्यादा है, उसमें से हम कुछ ही लोगों को चूज कर सकते हैं। तो दो तीन बातें होती हैं जिसकी वजह से इसको किया जाता है। तो क्लस्टर सैंपलिंग ऐसी सैंपलिंग है जहां पर हम रैंडम तरीके से सेलेक्शन करते हैं लोगों का। वेयर द टोटल पॉपुलेशन इज बाइफर्केटेड इनटू क्लस्टर और सेक्शंस एंड देन सिलेक्शन आर चोजन रैंडमली, इट इज कॉल्ड क्लस्टर सैंपलिंग। जब कुल जनसंख्या को समूह या वर्गों में विभाजित किया गया हो, क्या खासियत है यहाँ पर? क्लस्टर है या समूह है। और ऐसे तरीके में जब हम रैंडम तरीका अपनाते हैं तब हम उसको क्लस्टर सैंपलिंग कहते हैं। तो क्लस्टर सैंपलिंग क्या होती है? जैसे इंडिया को स्टेट में, स्टेट को जिले में, जिले को ब्लॉक्स में, है ना, स्टेट को छोटे छोटे जिले में बांटा गया, जिले को ब्लॉक में, ब्लॉक को विलेज में। तो यहां पर हम क्लस्टर सैंपलिंग ही कर सकते हैं। इसका एग्जांपल देखिएगा तब समझ में आएगी। अभी इससे मत समझो, इसमें बहुत कंफ्यूजन है, शब्दों में हमेशा कंफ्यूजन होता है, चित्र में कंफ्यूजन नहीं होता है। चित्र से समझिए, मुझे सैंपलिंग करनी है, ठीक है, यूपी के कुछ गांव की सैंपलिंग करनी है। अब एक गांव में ऐसे लोग रहते हैं जो हरे कपड़े पहनते हैं, ग्रीन, एक गांव में ऑरेंज कपड़े पहनने वाले लोग रहते हैं, एक गांव में इस तरह के लोग रहते हैं, एक गांव में इस तरह के लोग रहते हैं। तो मैं क्या करूं कि सबको शामिल कर लूं? तो एक तो मैंने इन तीनों को ले लिया, या मैं इस तरीके से क्या करूं कि जहां पर इस तरीके का क्लस्टर बन सके। तो ये एक एग्जांपल है, क्या ये हो गया, हमने क्लस्टर बना लिया। और देखिए दोनों में डिफरेंस समझिए, स्ट्रेटिफाइड में और क्लस्टर में डिफरेंस क्या है। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में हमने क्या किया था? इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया। इसकी विशेषताएं, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये बुद्ध है, ये ईसाई है, इनकी सबकी करैक्टर स्टिक अलग अलग है।
तो हमने क्या किया, सब में से एक एक को ले लिया और रिसर्च कर ली कि कौन ज्यादा अच्छा पढ़ाता है रिलीजन के बेस पे, तो सबको एक एक को ले लिया। तो इसको बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। अब क्लस्टर सैंपलिंग में क्या होगा कि हम पूरी सैंपलिंग में ये देखेंगे पूरे पॉपुलेशन में कि एक एरिया को चुन लेंगे। अब इसमें ये है, ये है और ये है, तो हमें सारा डेटा मिल गया, तो इसको बोलेंगे हम क्लस्टर सैंपलिंग। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? जैसे मान लीजिए किसी गांव की पॉपुलेशन 1000 है और हम रिलीजन के आधार पर यहां पर देखना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, चार स्ट्रेटा बना लिए, 250, 250, 250 एंड 250, और यहां से हमने 50-50 लोगों को चुन लिया। और ये जो 250-250 थे, एक इस्लाम को फॉलोअर, एक हिंदू, एक बुद्धिस्ट, एक जैनिस्ट। तो ये तरीका क्या है, स्ट्रेटिफाइड। क्लस्टर सैंपलिंग में क्या किया, एक गांव है जहां पर, इसको बहुत बड़ा गांव है, इसमें हमने देखा कि यहाँ पर हिंदू भी हैं, यहाँ इस्लाम को भी मानने वाले हैं, यहाँ बुद्ध भी हैं, यहाँ जैन भी हैं, यहाँ क्रिश्चियंस भी हैं। तो हमने क्या किया, इस क्लस्टर को, इस एरिया को अपनी रिसर्च में चूज कर लिया। बहुत सारे एग्जांपल हैं, कई सारे एग्जांपल्स दूंगी, आप चिंता ना करें, मैं बहुत एग्जांपल दूंगी। जब तक क्लियर नहीं हो जाएगी तब तक हम इस टॉपिक को लेफ्ट नहीं करेंगे। और देखो, और एग्जांपल देखो, क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे इन दोनों के बीच में, आप स्ट्रेटिफाइड में और क्लस्टर में कंफ्यूज होंगे, तो हम इसी का दोनों को साथ में कंपेयर कर रहे हैं। एक गांव है, ठीक है, या मान लो एक राज्य है, और राज्य में आप ये देखना चाहते हो कि जो टीचर्स हैं कितने हिंदू टीचर हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितने क्रिश्चियंस हैं, कितने बुद्ध हैं, कितने जैन हैं। एक राज्य के सभी टीचर्स पे आप स्टडी करना चाहते हैं और कौन सा बेटर पढ़ा रहा है, किसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा है, तो इस तरीके में क्या करोगे। अगर मान लो हम स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग करेंगे तो हम उसको कैसे करेंगे कि टोटल पॉपुलेशन मान लीजिए 1000, टोटल पॉपुलेशन मान लीजिए 1000 है, तो इस 1000 में हम हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, सिख, इनके अलग अलग स्ट्रेटा बनाएंगे और इन सभी में से एक एक आदमी को चुनकर चार का सैंपल ले लेंगे। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, इस तरीके से सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग में क्या करते हैं कि टोटल पॉपुलेशन को एरिया वाइज, कैसे, क्षेत्र के आधार पे, एरिया के आधार पर इसे हमने पांच अलग अलग क्लस्टर में बांट दिया। इसको बोलेंगे एक क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3, और इसमें से कोई दो क्लस्टर ले लेंगे, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, तो हमें 6 लोग मिल गए, इन 6 लोगों पे हम रिसर्च करेंगे। तो इसको बोलेंगे हम क्लस्टर और इसको बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड। अब क्लियर हुआ? क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा, नहीं तो वैसे इतने से समझ आ जाना चाहिए। तो यहां पर जो डिवीजन होता है वो होता है एरिया वाइज, और यहां पर जो डिवीजन होता है वो होता है करेक्टरिस्टिक पे, विशेषता के आधार। चलो गुड, नेक्स्ट है आपकी सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग, इन दिस टाइप ऑफ सैंपलिंग वी चूज द एलिमेंट सिस्टमैटिकली एंड नॉट रैंडमली विद द एक्सपेक्शन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। तो इस तरीके सिस्टमैटिक या व्यवस्थित जो प्रतिचयन होता है, इसमें हम तत्वों का चयन करते हैं पहले तत्व को छोड़कर, व्यवस्थित रूप से, यादृच्छिक रूप से नहीं। यानी कि हमें यहाँ पे रैंडम तरीका नहीं है, कैसा तरीका है, व्यवस्थित, यानी कि पूरी पॉपुलेशन को हम व्यवस्थित करेंगे और सिस्टमैटिक तरीके से किसी भी एक को चुन लेंगे।
जैसे एग्जाम्पल के लिए सैंपल सेलेक्ट बाय लिस्टिंग, यहाँ पे हम लिस्ट बनाते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग में लिस्टिंग करते हैं, और लिस्टिंग में चूज कर लिया, जैसे मैंने लिस्ट बना ली टोटल यहाँ पर जो लोग हैं 12 लोग हैं, इन 12 में से मुझे 4 को चुनना है, टोटल कितने हैं 12 और चुनना कितने को है 4 को, तो मैंने क्या किया यहां पर 2 को ले लिया, 2 को ले लिया, 5 को ले लिया, 8 को ले लिया, 10 को ले लिया, तो नंबर 2, 5, 8 और 10 यहां पे 2 का डिफरेंस है, यहां पे 3 का डिफरेंस है, यहां पे 3 का डिफरेंस है, यह 11 को लिया है, सॉरी 11 को, तो सभी के बीच में कितना डिफरेंस है 3-3 का डिफरेंस है। एग्जाम्पल के लिए आपके क्लास में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बच्चे हैं और इसमें से आपको सिस्टमेटिक लोगों को सेलेक्ट करना है, तो हमने क्या किया यहां पर 2 को लिया, 5 को लिया, 8 को लिया और 11 को लिया, तो आप देख रहे होंगे कि सबके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है 2-2 का डिफरेंस है, तो यहां पर क्या होता है इक्वल इंटरवल होता है, यानी कि समान अंतराल पे लोगों को जो चुना जाएगा वो किस पे चुना जाएगा, समान अंतराल पे चुना जाता है, यस, इसको बोलते हैं n, यानी कोई नंबर हमने डिसाइड कर लिया कि हर पांचवा नंबर, हर दूसरा नंबर, हर तीसरा नंबर, तो यहां पर nth, n बोलते हैं, यानी जिस नंबर को हम डिसाइड कर रहे हैं उस सभी को इक्वल इंटरवल बना के हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे पूरी किताब पढ़नी है, अब पूरी तो पढ़ नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे कि इस किताब में से मैंने क्या डिसाइड किया कि हर 100वां पेज में पढ़ूंगी, हर 10वां पेज, तो 10वां, चलो 10 पढ़ लिया, फिर 10 पढ़ लिया, फिर 10 पढ़ लिया, और बाद में मैं कह दूंगी कि मैंने पूरी किताब पढ़ ली, क्योंकि नंबर यहां पर पहले डिसाइड होता है, इसलिए यहां पर रैंडम तरीका नहीं होता है, रैंडम तरीके में आप नंबर पहले डिसाइड नहीं कर सकते हैं, तो यहां पर नंबर यहां पर पहले डिसाइड होता है और बाद में हम इसको करते हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे देखिए 1, 2, 5, 8, 11, ठीक है, एवरी थर्ड नंबर, हर तीसरा नंबर मुझे अपनी रिसर्च में रखना है, इसको हम बोलते हैं आपका सिस्टमैटिक सैंपलिंग। और क्या है यहाँ पर, हर दूसरा नंबर, इस वाले में हमने क्या किया कि इन दिस केस एवरी सेकेंड पर्सन, सिस्टमैटिक तरीके से हर दूसरा आदमी इस रिसर्च में सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आती है गाइज मल्टी स्टेज सैंपलिंग, तो इस पे बहुत कंफ्यूजन है कि इसको हम किस में रखें, ये क्या है, जैसे हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च करते थे उसमें हम क्या देखते थे, दो तरीके अपना लिए, तो उसको मिक्स्ड, इसमें क्या करते हैं मल्टी स्टेज, कई सारे स्टेज पे ही रिसर्च होती है, कई स्टेज बना लेते हैं और उस हिसाब से हम इसमें रिसर्च कर लेते हैं। 50 लोगों में से हमने यहां पर पहले 25 लोगों को चूज किया, फिर 12 लोगों को किया, फिर 10 लोगों को किया, फिर 2, तो ये क्या बन गया रिसर्च। कुछ लोग मानते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी है, कुछ लोग कहते हैं ये नॉन प्रोबेबिलिटी है, और मुझे लगता है कि ये मिक्स्ड मेथड है, ये मिक्स्ड मेथड है, मेरा मानना है कि ये मिक्स मेथड में होनी चाहिए। ओके, फिर भी आप ध्यान देख लेना किस तरह का क्वेश्चन आएगा, कैसे होता है इसे समझ लीजिए। देखिए इतने सारे लोग हैं, पहले ही स्टेज पे हमने क्या किया, इनमें से हर कलर के 2-2 आदमियों को, 2-2 3-3 लोगों को ले लिया, 2 ऑरेंज ले लिए, 2 ऐसे ले लिए, फिर उनमें से उनको अलग कर लिया, पहले हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लोगों पे की, फिर 9 में से 3 निकाल लिए, उन सिर्फ 3 पे रिसर्च करेंगे और जो 3 पे करेंगे वो इस पे अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बनी होती है स्टेजेस बनी, ठीक है समझ आ गया।
एक प्रश्न है, आंसर दीजिए. विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सैंपलिंग. यहां पर हम सैंपलिंग को किन दो भागों में बांट सकते हैं? आंसर क्या होगा? सो राइट आंसर होगा थर्ड, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी. ठीक है, नमूने के वर्गीकरण को कैसे कर सकते हैं? यादृच्छिक, उद्देश्यपूर्ण, स्त्रीकृत क्लस्टर, तो संभाव्य और गैर संभाव्य. अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल रैंडम सैंपलिंग कैन नॉट बी यूज्ड इन. जो सरल यादृच्छिक तरीका है वो किस पर यूज नहीं हो सकता है? लार्ज पॉपुलेशन पे, होमोजूनियस पर या हेट्रोजीनियस पे? सरल यादृच्छिक नमूनाकरण का उपयोग नहीं किया जा सकता है. बड़ी आबादी पे, सजातीय पे या विषम जनसंख्या पे? लार्ज पॉपुलेशन पे तो किया जा सकता है. कितनी भी लार्ज पॉपुलेशन है हम उस पे सिंपल रैंडम सैंपलिंग को कर सकते हैं. ठीक है, इन दोनों में से कोई एक उत्तर होगा. तो बेसिकली जब विषम जनसंख्या होगी, हेट्रोजीनियस है, तब आप वहां पे सरल यादृच्छिक तरीका नहीं अपना. इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? जैसे मैंने कहा था कि रैंडम सैंपलिंग क्या है, कि मेरे पास टोटल कितने बच्चे थे क्लास में, 112, और 112 में से मुझे सिर्फ 12 बच्चों को गिफ्ट देना था. समझना, मेरे पास 112 बच्चे थे जिसमें सिर्फ 12 बच्चों को मुझे गिफ्ट देना था. तो रैंडम तरीका क्या था, इन सभी को मैंने इसमें डाल लिया और इसमें से निकाल दिया. तो ये क्या था, रैंडम तरीका था. अब वो ये पूछ कि ये होमोजेनियस हो सकता है या हेट्रोजेनियस हो सकता है. तो इन होमो और हेट्रो का मतलब समझ लीजिए. अब मैंने ये कहा कि मैं जो गिफ्ट दूंगी वो सिर्फ गर्ल्स को दूंगी, मैं गिफ्ट दूंगी वो गर्ल्स को दूंगी ओनली. और यहां पर जो मेरे पास पॉपुलेशन है वो कैसी है, हेट्रो है. हेट्रो का मतलब लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं. और मैं पहले से ही कह रही हूं कि मैं लड़कियों को ही गिफ्ट दूंगी, तो क्या ये तरीका सही है इस केस में? मान लीजिए मैंने पहली पर्ची निकाली, उस पर लड़के का नाम है, तो मैंने इसको हटा दिया, नहीं इसको गिफ्ट नहीं दूंगी, ये लड़का है, तो ये तरीका गलत हो जाएगा. तो जब हमारी इसमें जितनी भी लड़कियां होनी चाहिए उन्हीं उन्हीं के नाम होने चाहिए. तो जब हमारी पॉपुलेशन एक जैसी होती है वहां पर आपकी सरल या सिंपल रैंडम सैंपलिंग की जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स का है, आपको सही या गलत बताना है. कैरेक्टरिस्टिक टू बी स्टडी एंड द साइज ऑफ द पॉपुलेशन हैव नो इफेक्ट, हैव नो इफेक्ट ऑन सेलेक्टिंग अ सैंपलिंग टेक्निक. इन दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? समझ लीजिए, समझ आया कि किसी भी पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक या उसका साइज का सैंपलिंग के तरीके पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. ये बताना है आपको कि ये सही है या गलत है. हिंदी में देखिए, अध्ययन की जाने वाली विशेषताओं और जनसंख्या के आकार का नमूने की तकनीक के चयन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बात
ट्रू है या फॉल्स है। करता है, किसी को ट्रू भी लग रहा है क्या? फर्क पड़ता है भाई, बहुत फर्क पड़ता है। जैसे होमोजीनियस है हेटरोजीनियस है, इसी बात का फर्क पड़ जाता है। और तो छोड़िए, हमारी पॉपुलेशन सजातीय है या विजातीय है, इसी बात का फर्क पड़ा जा रहा है। पहली बार अभी जस्ट एक एक क्वेश्चन किया, तो सही आंसर क्या होगा कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है। एक और क्वेश्चन देखिए, इन ऑल द यूनिट द यूनिवर्स हैव एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल। कोई बात नहीं, नॉन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, जजमेंट या इंटरवल सैंपलिंग, इसका आंसर आप लोगों ने पहले देख लिया, थोड़ी चीटिंग हो गई। ब्रह्मांड में सभी इकाइयों को नमूने में शामिल होने की जो संभावना है वो बराबर रहती है। इस तरह को हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम संभावना या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। चलिए, बहुत क्लियर क्वेश्चन। अभी बताइए, कल पढ़ाएं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, आज ही खत्म कर दें, आज ही खत्म कर दें, तुरंत तुरंत हो जाएगी। वैसे तो आप कहें तो मैं पढ़ा दूं, आप कहें तो मैं कल पढ़ाऊं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। कल थक गए बच्चे कल 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 मुझे पता है कल होगा, ठीक है? तो कल चलिए, कल करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को। और यहाँ पर क्यों समझाना तो थोड़ा बहुत पड़ेगा ही, थोड़ा बहुत तो समझाना पड़ेगा, ठीक है? तो पीपीटी भी फिर आपको कल ही मिलेगी, ओके? पीपीटी कल मिल पाएगी। चलिए, वीडियो को प्लीज लाइक करें, और कल भी इसी समय पे अवेलेबल रहें रिसर्च की क्लासेस, ठीक है? ऐसे कर करके वन बाई वन मैं सारे टॉपिक आपको पढ़ा दूंगी, स्टैटिक्स भी पढ़ा दूंगी, ये भी पढ़ा दूंगी, ठीक है? और जो लोग पेड बैच में हैं वो मुझे एक चीज़ बताइएगा, क्या इसके साथ मैं दूसरी यूनिट शुरू कर दूँ एजुकेशन की, या फिर अभी सिर्फ आप रिसर्च पढ़ना चाहते हैं? मुझे लगता है टाइम कम है तो मैं एक दूसरी यूनिट भी साथ साथ, भले ही थोड़ा थोड़ा पढ़ें लेकिन पढ़ते रहें डेली, नहीं तो एक क्लास होने लग जाएगी तो आपकी आदत खराब हो जाएगी। आज क्लास समझ में आई, अच्छी लगी? इसका मतलब है कलर्स, पिक्चर्स, इससे ज्यादा क्वेश्चंस, इससे अच्छा लगता है ना? ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।